वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय नववर्ष से जुड़ी हुई कुछ रहस्य वाली बातें। तो देखो, जो हम विदेशी परंपरा है, जो हम 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य नहीं है। उसके पीछे केवल और केवल इतिहास है। इतिहास जूलियस सीज़र के शासन आने के बाद, जो उन्होंने कैलेंडर में मॉडिफिकेशन करी, और उनकी मॉडिफिकेशन के बाद जो पोप ग्रिगोरियन XIII ने करी, और उसी के वजह से आज ऑलमोस्ट, या मैं बोलूँ मैक्सिमम देश जो हैं वो 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाते हैं। पर भारत उन सबसे भिन्न है। भारत का नववर्ष या कोई भी आप त्यौहार देख ले तो वह प्रकृति से जुड़ा होता है। ऐसे ही कुछ हम छोटे मोटे रहस्य वाली बातें आज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हम मकर संक्रांति मनाते हैं, यानी कि उत्तर भारत में मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, और अगर आप गुजरात की तरफ देखें तो वहाँ उत्तरायण है, तमिलनाडु साउथ की तरफ पोंगल है या केवल संक्रांति है, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट के असम में देखें तो वहाँ माघ बिहू या भोगाली बिहू होता है। तो इन सब के पीछे जो हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति के जितने भी त्यौहार हैं, उन सब के पीछे के रहस्य में से एक रहस्य आज मैं खोलूँगी, जो मकर संक्रांति का है। मकर संक्रांति अर्थात जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में घुसते हैं। अब जब वो मकर राशि में आते हैं तो उस दिन से क्या होता है, पृथ्वी दक्षिण की तरफ जो उसका झुकाव है, यानी कि दक्षिण यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर जो सूरज की तरफ होता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आने लगता है। अब बात ये है कि जैसे हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसी के तरह हम भारत के जो त्यौहार हैं वो भी इसी के साथ चलते हैं। अब देखो, 90% जो लोग हैं पृथ्वी पे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। तो अगर हम मकर संक्रांति की तरह ही त्यौहार मनाएं पूरे देश में तो कितना अच्छा होगा। अब बात करते हैं खान पान के पीछे का रहस्य। अब अगर हम देखें तो नॉर्दर्न साइड में, जो हमारे नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे मकर संक्रांति के समय खूब मूंगफली, तिल, रेवड़ी, गच्चक, गुड़ खाए जाते हैं, और ये सारे खाने के जो आइटम्स हैं वो शरीर में ऊर्जा पैदा करते हैं। उस ऊर्जा से शरीर गर्म रहती है और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जहाँ खिचड़ी संक्रांति होती है वहाँ खिचड़ी बहुत खाते हैं लोग। खिचड़ी, इस खिचड़ी में अगर अदरक और मटर हो तब तो स्वाद तो अच्छा होगा ही होगा, इसके पीछे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो हम मकर संक्रांति के पर्व पे खेल कूद का आयोजन करते हैं। अब आपने अगर कभी गौर फरमाया हो तो चाहे वो पतंगबाजी हो या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो मुर्गों की लड़ाई होती है या बैलों की लड़ाई होती है, वो सब धूप में होती है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जो धूप होती है, जो सूरज की ताप आता है जब हमारे शरीर में आता है, तो उससे हड्डियों और हमारे जो शरीर है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो कारण यही है पतंगबाजी और इन सारे खेलों का, कि आप धूप में रहें उस समय और आप अच्छे से सूरज की जो विंटर्स में जो सूरज की किरणें आपके लिए लाभ दे सकती हैं आपके शरीर को, वो आपको मिले। इसी के साथ हम बात करते हैं कि संक्रांति हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो इस दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। जैसे अगर आप लोहड़ी की भी बात करें तो रात को अग्नि की पूजा होती है। बेसिकली जो भी हमें ऊर्जा देने वाली चीज़ है हम उसकी पूजा करते हैं, जैसे सूरज, अग्नि, समझे। अब मैं बात करती हूँ, जैसे कहिए कि जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में होता है सूरज, तो उस समय दिन छोटे और रात लंबी होती है, और वहीं संक्रांति के बाद से दिन लंबे और रात छोटी होने लगती है। इसी को प्राचीन भारत के लोग कहते थे अंधकार से प्रकाश की ओर जाना।
और इसी प्रकाश को हम ज्ञान के साथ जोड़ते हैं और अंधकार को अज्ञान के साथ। तो आप समझ ही सकते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में भारत के लोग दिन में पढ़ाई करते थे। अब देखो, संक्रांति के बाद दिन लंबे होंगे तो पढ़ने के लिए उनको ज्ञान अर्जित करने के लिए भी दिन मिलेंगे। तो इसी नोट पे मैं आज का ये व्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे।